अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इरम की दुनिया में वेलकम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स काठियावाड़ी चने चाट बनाने जा रहे हैं, जिसको गुजराती छोले भी कहते हैं। चले आए उसके इंग्रेडिएंट्स सीखते हैं कि क्या है। ये चना है जो कि मैंने रात भर सोडा डाल के 1/4 टीस्पून सोडा डाल के मैंने भिगोने रख दिए थे। और फिर क्या कहते हैं, सुबह इसका पानी मैंने इसको ख़त्म कर दिया था, इसका पानी इसको पानी फेंक दिया था, क्योंकि वो रात भर पानी रखा रहता है तो मैं वो वाला पानी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये एक पॉइजनस आ जाती है, वो मैं हटा देती हूँ। फिर हमने नया पानी डाल के इसको उबाला था, इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया था और 1/4 दोबारा से मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था, क्योंकि हम पहले वाला जो मीठा सोडा डालकर जो हमने बनाए थे, रात भर भिगोए थे, वो हमने पानी फेंक दिया था। चलें फिर देखते हैं दूसरे इन्ग्रीडियंट्स। ये है 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून हल्दी, ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर डलता है, मेरे पास चिकन पाउडर नहीं है अवेलेबल, तो मैंने इसमें 2 चिकन क्यूब्स डाले मैगी के, इसके बगैर फ्लेवर नहीं आएगा, फ्लेवर लाने के लिए आपको ज़रूर ये डालना है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया है, ये पूरा मिक्स करके मैंने भुना पिसा धनिया बना और ज़ीरा भुना था और ये पीस लिया था, कुटा हुआ ही है, और ये डलेगा 1 टीस्पून। इसमें जगीरे पाउडर डलता है लेकिन वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास डार्क ब्राउन शुगर थी, मैंने 1 टीस्पून डार्क ब्राउन शुगर ली है। ये लहसुन और हरा धनिया पुदीने की चटनी है, ये 1 टीस्पून। इमली का पानी है, इमली का पेस्ट, इमली भिगो दी थी और उसमें उसका पानी हमने यूज़ करेंगे, ये 1/2 कप है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। प्याज है 1 टीस्पून, बेसन है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर है, और ये पापड़ी है जो कि होममेड है। तो चलें चल के बनाते हैं ये इजी सी रेसिपी। फ्लेम हमने ऑन कर ली है, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हमने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अपने चने डाल देंगे। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देंगे सारे, ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी। इसमें लोग आलू भी डालते हैं लेकिन मुझे आलू पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैंने आलू स्किप कर दिए हैं। और इसमें ऊपर से हरी मिर्च भी डालते हैं लोग, लेकिन हरी मिर्च मुझे मुंह पे आती पसंद नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हरी मिर्च का ये हरी मिर्च हरा धनिया पुदीने की चटनी डाल रहे हैं तो इसलिए हम यही डालेंगे। और इस स्टेज पे हम ये अपनी ब्राउन शुगर भी डाल देंगे, ये इमली का पेस्ट भी डाल देंगे। रोज़े की हालत में है और हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता नमक मिर्च वगैरह कितना होगा, ना हम चख सकते हैं, इस वजह से हम लोग बाद में चख सकते हैं और देख सकते हैं रोज़े के बाद। तो इंशाल्लाह ये देखें, इमली का पेस्ट डालते ही इसमें थिकनेस आ गई है, हम हरी मिर्च का पेस्ट भी डालते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी इसमें बहुत सारा जाएगा, पकाएंगे इसको उबालने तक। कलर लाने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है, 1/4 डाल दें अपने हिसाब से।
पकाएंगे और वापस आएंगे पका के। पकाते हुए हमने इसमें छोले उबाले थे तो उसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया था और वही पानी हम उबले हुए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिक्स हो जाए। और अब हम ये बेसन का घोल और कॉर्नफ्लावर का अपने छोलों में डालेंगे। अच्छे से हमारे पक रहे हैं छोले। छोले मेरे थोड़े से मेरा कॉर्नफ्लावर या बेसन थोड़ा सा कम था तो मैंने 1 टीस्पून और ले लिया बेसन और इसको घोल लिया है इसी छोले के पानी में। अब हम दोबारा से इसमें थोड़े से डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस और जायका आए बेसन का। पानी मैंने क्योंकि ज़्यादा डाला था इस वजह से इसमें इसका जो बेसन का मुझे 1 टेबल स्पून करना पड़ा। वो कोई बात नहीं, अब ये थिकनेस आ जाएगी। हम पका रहे हैं इसको और इसके पकने के बाद हमने फिर इसको सर्विंग करनी है। और अब स्टेज पर हमने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डालना है। 1 टेबल स्पून सिरका डाल दिया। अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे। लोग ऊपर से डालते हैं लेकिन मैं इसको अंदर डालकर ही पकाती हूँ। ये हमने अपने बॉल में निकाल लिया है जो कि कराची में इसी बॉल में सर्व होता है ऐसे प्याले में। और हमने इसमें प्याज डाल दी है, पापड़ी डाल दी है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा चावल।